गुड मॉर्निंग फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग। और मैं क्या कहना चाहता था, अभी मैं नहा के उठा हूँ और मैं इधर नहा ही रहा था कि इधर देखा वंदना जी भी उठ के। मैं सोचा नहा के उसके बाद इनको उठाता हूँ, लेकिन ये पहले से ही उठ के अपना किचन में लग गई हैं। और एक बार बैक कैमरा करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं और ये चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो मैं पहले देखा कि ये शिमला मिर्च और प्याज काट रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा क्या बना रही हो जी, तो कह रहे हैं चाउमीन बनाने जा रहे होंगे। क्या बात है, चाउमीन बनाने का कैसे मूड हो गया? मैं तो वो लोग गए थे ना, किट वगैरह लेकर आए थे बनाने के लिए, तो सो रहे हैं अभी। हमने सोचा कि आप जा रहे तो हम ही बना देते, जब चले जाएंगे तो बनाने से क्या फायदा। तो हम सोचे नहा ले फिर उठ के उसके बाद इनको उठाएं, लेकिन ये पहले से ही उठ गए। कबूतर दिमाग और हमारे घर में कबूतर पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस जाते। देखिए ये हमारा ये खुला रहता है, इधर फ्रिज रखा हुआ है। तो दरवाजा हमारा ना दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है और ये हमारा दरवाजा इतना बंद होता है और ये खुला रहता है तो कबूतर पूरा अंदर घुस जाते हैं। फिर सुबह जब सो के उठते हैं तो ये जो डब्बे हैं हम नीचे गिरे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च और प्याज इन्होंने काट लिया है और इधर मिर्च काट रही है और ये जो है क्या उबाल रहे ये चाउमीन उबाल रही है पानी में। तो उसके बाद लेकिन लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हम तो अलग तरीके से बनाते हैं, जो आपको मतलब खाने में स्वाद लगना चाहिए। हाँ, सबका बनाने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग ज्यादा आइटम डालते हैं, कुछ लोग कम आइटम डालते हैं। नहीं, तो ऐसा तो होता है, टमाटर डालते हैं जी भाई, पहले कहते थे डालता नहीं पता है, लेकिन जाते आपको जैसा अच्छा लगे वैसा खाए, हमको बेचना थोड़ू ना है खाना है, बेचना थोड़ू, कस्टमर हमको कहेंगे कि ऐसे नहीं बनता वैसे नहीं बनता। जैसे कल मैंने परसों पोहा बनाया था, इंदौरी पोहा, तो उसमें हम लोग को जो वो सेव आता है ऊपर वो हम चीज नहीं डाले थे, मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने बाहर भी चाउमीन खाया तो कुछ लोग उसमें पास्ता भी डाल देते हैं और पता नहीं क्या मटर भी डाल देते हैं। तो अपना अपना तरीका है डालने का, कह रहे मटर डालेंगे स्वाद लगना चाहिए। अब ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, बस स्वाद आपको आ रहा है। किसी को चीनी डाल कुछ अच्छा लगता है, सही बात, हमें यही लगता है। देखो अरे पोहा में चीनी किसमें डालते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो वंदना जी ने ब्लॉग डाला था इंदौरी पोहा, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, जो इंदौर से उनको तो पता है कि इंदौरी पोहा कैसा होता है और मैंने भी खाया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी मिलता है लेकिन बाहर मिलता है। उसमें वही तो, सेव डालते हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं डालते सेव वाली बात नहीं है, जो इंदौरी पोहा होता है ना उसका पोहा अलग होता है, खड़ा खड़ा रहता है। हाँ। और क्या बोलते हैं उसमें थोड़ा चीनी भी डाल देते हैं, लेकिन हम इंदौरी पोहा बनाए रहे थे, हम बनाए मेरे पति जो बोले कि इंदौरी पोहा जैसा लग रहा है, इंदौरी पोहा जैसा लग रहा है लेकिन था नहीं। आप मैंने बस ऐसे बोल दिया था क्योंकि मैं इंदौरी पोहा खाया हूँ, यहाँ भी खाया हूँ, जयपुर में भी खाया हूँ, टाइटल मिल गया। हाँ, कह रहे टाइटल मिल गया था। तो इंदौरी पोहा मैंने बाहर भी खाया, तो उसमें क्या बोलते हैं ना, वो भी डालते हैं, ये क्या बोलते हैं अनार का जो दाना होता है ना वो भी डालते हैं। तो ये देखिए डालने की तैयारी कर रहे हैं, ये नींबू भी डालोगे? नहीं जी, तो ये टमाटर डालेंगी, मटर डालेंगी, और उसके बाद इधर देखिए कढ़ाई जो ली है, काफी प्यारा कढ़ाई लग रहा है इनका, इनका हद हो गई कुछ भी। कह रहे हैं हद हो गई कुछ भी इनका तो जीरा का तड़का भी देंगे तो सब्जी हो जाएगा, प्यार प्यार नहीं, सब्जी का स्वाद आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में रिफाइंड डाल रही है, ये हमारा रिफाइंड पड़ गया इसमें, और इधर हमारा चाउमीन जो है उबल रहा है, और इधर हमारा शिमला मिर्च मरचा प्याज ये सब कट गया है। अब बनाएंगे चाउमीन और चाय। तो हमने ब्लॉग में अपने डाला था कि ये जो बिस्कुट है काफी टेस्टी है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था भैया कौन सा बिस्कुट है, क्या नाम है, बहुत टेस्टी है। तो एक बार वो बिस्कुट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हम दिखा देते हैं बिस्कुट कौन सा था। ये बिस्कुट है, ये न्यूट्री चॉइस बिस्कुट है, एक बार आप लोग खा के देखिए, काफी अच्छा बिस्कुट होता है। और हम लाए थे तो ये पूरा पैकेट है, तो इसमें क्या होता है बचत हो जाती है थोड़ा बहुत, और क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है तो आप छोटा पैकेट भी ले सकते हैं, तो छोटा पैकेट भी आता है 20 रुपए का आता है, तो आप छोटा पैकेट भी ले सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े पैकेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पैकेट था, तो एक पैकेट निकला हुआ है, ये देख सकते हैं सुपर सेवर पैक 1 kg न्यूट्री चॉइस, काफ़ी अच्छा बिस्कुट है, एक बार खा के ट्राई करिए आप लोग। तो मटर छीला हुआ है। हाँ।
तो ये देखिए मटर छिला हुआ है यहाँ पे, तो बना रहे हैं टमाटर। जहाँ मैगी मसाले होगा हमको तो नहीं अच्छा लगता, मीठा नहीं लगता मैगी मसाला। आपको जैसे आता है वैसे बनाओ यार, आपका बनाया हुआ अच्छा लगता है ना। मैगी मसाला बनाना हो तो बताओ, मैगी मजे के लगे 10 बट कम से कम 10 पैकेट लगे मैगी मसाला। उतना घर में बना रहे हैं तो यहाँ शिमला मिर्च प्याज ये सब कढ़ाई में डाल दिए। और क्या ये डाली हो, जीरा डाली हो क्या? जीरा, शिमला मिर्च प्याज और जीरा भी डाला हुआ है, और टमाटर ये देखिए, और चौमीन अपना उबाल रही है। कल तो इंदौरी पोहा बना, आज कौन सा चौमीन बना रही, किस जगह का? आज घरेलू नहीं, ये चाइना का चौमीन बन रहा है। चाइना का चौमीन बना रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं चाइना का चौमीन है। नहीं फैमिली, हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हमारा बन जाएगा, फिर दिखाएंगे आप लोगों को, जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग। तो ये लो जी, इन्होंने मैगी मसाला मंगाया था, मैं मैगी मसाला ले आया हूँ। तो ऐसा ही तो होता है मैगी मसाला, लोकल वाला है, यही होता है। हाँ यार यही होता है, और क्या, इसमें लोकल वर्जन है। ये देखो मैगी का टमाटो सूप, ये टमाटो है, केचप 10 रुपए का है, 5 रुपए का मसाला फ्री है इसमें, तो चार ही लिए ना, 10 रुपए का मिला ये। तो क्या करेंगे, मसाला 4 पैकेट मसाला ले लिए हैं, फ्री मिले तो ले लिया चाहता ना, क्या करता। तो ये देखो 15 रुपए का है, अगर मसाला नहीं लेंगे तो 10 रुपए का मिलेगा, तो मसाला नहीं लिए 10 रुपए का मिला है, और मसाला लेते तो 15 रुपए का मिलता, तो मसाला का 5 रुपए कट गया ना। अच्छा, तो ये देखिए हमारा मैगी मसाला पड़ रहा है, और काफी टेस्टी लग रहा है यार ये तो, देख रहे हैं टेस्टी लगा, कह रहे नजर लग जाएगा। इनका कहने का मतलब बना नहीं, अभी बोल दिए टेस्टी बन रहा है। तो ये मैगी मसाला 4 पैकेट डाल दी, तभी तो अच्छा लगेगा मसाला। मसाला बिना मसाला के तो अच्छा नहीं लगेगा। ताकत रहा। तो मसाला डालने के बाद इसको चला रही है, तब कहीं चटनी बन गई है ना? चटनी नहीं यार, देखो कहाँ चटनी बन गया, ऊपर पूरा दिखा देते हैं कैमरा पास करके, देखो। अरे नहीं यार ऐसा नहीं, तो इसको हल्के हाथों से मिला रही है, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे चौमीन। तो ये चौमीन उबल गया, इसको छान उनके रखी, इसका पानी सब निकल रहा है, ये जालीदार कढ़ाई है, इसमें दिख रहा है आप लोगों को, जालीदार कढ़ाई नहीं है, जालीदार ये जालीदार कढ़ाई नहीं है, आता है कढ़ाई। तो सोनाक्षी का हमारे दवा भी खत्म हो गया, तो आज इसको दे के जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग हमसे नए जुड़े, उनको नहीं पता है कि सोनाक्षी को साइनस की दिक्कत है, उसके नाक में मांस बढ़ गया है नोजी में, तो ये दवा है वो नाक में डालती है, तो खत्म हो गया। तो मैं इसको चल लेके आता हूँ, नहीं तो फिर हम फोन करके, यही बगल में मेडिकल से नीचे, हाँ मिलेगा, दूसरी कंपनी का मिलेगा, नहीं चले जाएंगे तो फिर फोन करके परेशान करेगी, मैं लेके आता हूँ फिर। तो मैं जा रहा हूँ मेडिकल पे, देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये डॉक्टर साहब के यहाँ से लाए थे तो वहाँ मिल गया था, अब यहाँ मेडिकल पे आ गया हूँ, देखता हूँ। तो मेडिकल है यहाँ पे आया हूँ मैं, सोनाक्षी का दवा लेने, देख सकते हैं। तो मैं गया था और दवा लेके आया हूँ, सोनाक्षी के लिए भी लेके आया हूँ, अपने लिए भी क्रीम लेके आया हूँ, और रियल मी का जूस लाया हूँ बच्चों को पीने के लिए, क्योंकि मैं चला जाऊँगा फिर, बच्चे पूरा दिन ऐसे रहते हैं तो भूख प्यास लग जाती है, तो मैं सोचा ले चलता हूँ इनके लिए। चलिए ब्लॉग भी बने रही है, तो यहाँ लेके आया हूँ, वंदना जी चेक कर रही है क्या क्या लाया। तो बच्चों के लिए जूस लाया हूँ, और ये अपने लिए दवा लाया हूँ, और सोनाक्षी के लिए भी ये देखिए दवा, और ये क्रीम लाया हूँ फेस पे लगाने के लिए। जानते हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे कंधादम वैसा एकदम, इसकी खुशबू है, मेरा पीने का मन नहीं करता। तो पैसा बर्बाद करोगी? नहीं पियेंगे, क्या करें, अभी सब के लिए तो आया था। तो क्या इससे क्या होता है, पीने से ताकत आती है, कमजोरी जो होता है दूर होता है। मेटोफर कमजोरी, बड़ा कमजोरी है लग रहा है, कहीं से कमजोर लग रही है? नहीं अंदर से है जी, ये इधर बन गया है, लोग खाल से सफाई करें। अच्छा है? चलो हाँ दे दो मुझे, मैं भी चलता हूँ खा पी के नाश्ता करके जल्दी से। किचन तो साफ कर दी, फैला था। ठीक है, अच्छी बात है, किचन साफ कर दी, एकदम चमका दी हो एकदम किचन,
अरे वाह, जबरदस्ती। हमारी फैमिली कहेंगी जब देखो भैया, कहते हैं आ वाह कितना अच्छा इनकी वाइफ बनाती है। कब से वेट करे, कहाँ गए हो? ये तैयार हो गया हमारा चौमीन, चाइना का चौमीन। आइए आप लोग भी खा लीजिए। आइए फैमिली, आप लोगों की इनवाइट करते हैं। लो। आप लोग भी एक एक प्लेट उठाइए। जा हाथ धुले हो? चम्मच से खाना यार, हाथ क्या धुलना। फोटो निकालना, निकाल लो। हाँ ठीक है। तो फैमिली हमने ऊपर से केचप डाल लिया, और वंदना जी कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लगता। आप लोग पता नहीं कैसे खाते हो केचप डाल के, तो हमें अच्छा लगता है। अभी सब सोनाक्षी उठेंगे तो वो भी खाएंगे, अभी वो लोग सो रहे हैं। तो चलिए हम खा के मिलते हैं फिर। तो यहाँ देख सकते हैं ऋषभ सो के उठ गया है, तो उनकी मम्मी उसका पैर दबा रहे हैं। थोड़ा दबो, कह रहे हैं दबा देते हैं, बड़ा कमजोर है ना। और देखो इसके लिए सब कुछ आता है, फिर भी बच्चा हमारा मोटा नहीं हो रहा है। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। और कभी इसको इसका ना फुल फ्रूट नहीं है, बस गाजर है और वो है क्या बोलते हैं ऑरेंज। अच्छा, ग्रेप्स नहीं है, पपाया है ना। अरे ग्रेप्स और पपाया, वहाँ सामने फल का दुकान है, इस दुकान की चला जाए। अरे हम जा रहे हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे नहीं दिए नाटक को, वही देखा फूल फ्रूट जाके आप भी ले सकती हो। चलो आता है यहाँ ठेले पे, दे दो 200 रुपए। ठीक है, फल के लिए ना बाबू। तो मेरा चौमीन खा लिया हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ ड्यूटी के लिए। दिखाए नहीं, अब खा लिए। दिखाए यार, अब खाते हुए भी दिखाएंगे क्या।